हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फरहान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है कि कल हमारा दिन मक्के में था, फर्स्ट डे, तो हमने जिसमें उमरा किया है, और आज हम लोग की वापस से मदीना में। तो आज हम जा रहे हैं मदीना। मदीना का ट्रैवल है हमारा कोई 7 से 8 घंटे। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और हम लोग बस निकल रहे हैं। ये मेरे होटल का व्यू है यहाँ से, बस कोई इतना खास नहीं बट अच्छा है बहुत ऊपर, ठीक है। और अब बस हम लोग निकल रहे हैं, सामान मेरा सारा बाहर रखा है। हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, असल में मैं सो गया था, 2 बजे हमारी ट्रेन आनी, वो बस जानी थी, और 2:30 बज रहे हैं और हमारी लिफ्ट नहीं आगे दे रही है। अब बस चलते हैं और आगे किसने देखेंगे। तो भाई ये अब निकलने में वापस घर की तरफ और गाड़ी की तरफ, सॉरी, ये रहा हमारा। और अभी भी बस हमने बहुत दूर जाना है चल के, भाई ऑलरेडी जा चुके हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि बहस वैस कर रहा होगा वहाँ पर बस की वजह से बहुत ज़्यादा। तो भाई ये रखा हमारा सामान और बस हमारी निकल चुकी है। अब हमें पता नहीं कि क्या करना है आगे, क्या नहीं करना। ये दोनों खड़े हुए कुछ कर रहे हैं और हम दोनों कर रहे हैं बस का कुछ ना कुछ इंतज़ाम, तीनों बजे तो बस हो जाए कुछ। तो भाई अब आए हम लोग यहाँ पे गाड़ी कराने के लिए टैक्सी, क्योंकि हमारी बस निकल चुकी है, हमें कहीं से जा के टैक्सी को बस पकड़ना है। और यहाँ से रास्ता मदीना है कोई 5 से 6 घंटे तो बोला है, 7 से 8 घंटे कहते हैं। तो यहाँ हम खड़े हैं टैक्सी के लिए और ये खड़ा रखा हमारा सारा सारा सामान। तो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि बस पहुँच जाए किसी तरह, वहाँ से हम साथ निकल जाए। भाई इस जगह की रौनक इतनी खूबसूरत ही, इतनी खूबसूरती रौनक यहाँ पे हर चीज़ है। खैर मदीना जाके तो ये चीज़ याद आएगी, लेकिन मज़े की बात ये हम वापस आएंगे यहाँ पे बहुत जल्दी। भाई निकल हम चुके हैं और बस ये कि हम टाइम पे पहुँच जाए, एक और जगह से बस हमारी निकलता है, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर बस रुकेगी थोड़ी देर के लिए। तो हम वहाँ के लिए जा रहे हैं, बस हुआ है कि अब मिलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम फिर मदीना में निकलेंगे। 6-7 घंटे का सफ़र है, पता नहीं कहाँ अखबार होंगे, कुछ नहीं पता, मिल रहा है बस। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं और बस हमें मिल गई है, बस सामान वामान डालते हैं, इसमें निकलते हैं। सामान हमने रख लिया है बहुत मुश्किल से और अब बस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे भी जा सकते हैं। अब जाके रुके हैं और टाइम क्या हो रहा है, वैसे 2 घंटे पीछे कर दो, क्योंकि बस फिर पाकिस्तान का टाइम सेट हुआ है, 6:05 हो रहे हैं और अभी यहाँ पर 6:10 हो रहे हैं। अब जाके हमारा पहला स्टॉप आया है, हालत बुरी हो गई है, बीच वाली सीट पर बैठा हुआ, गर्दन मेरी टेढ़ी हो गई है अंकल के बेचारे, खुद परेशान किया हुआ ना, खुद भी परेशान हुआ हूँ। तो भाई अब जाके मैं एक असर की नमाज़ का ब्रेक मिला, तो जाके थोड़ा सुकून भी मिला है, तो अभी नमाज वमाज़ पढ़ते हैं, फिर मेरे ख्याल से सारी है दूसरे से भी यहाँ पे कैसी है। खाना खा गया गंजा गंजे, कैसे हो गंजे? ये अंकल है मेरे साथ बैठे हुए, ये वाला अंकल इतना अच्छा सूरज लग रहा है यार, है मत चलो भाई टाइम कम है। सर जब से हम आए ना, मैंने सिर्फ एक चीज़ नोट करी है, सऊदी अरब पहाड़ी इलाका है बिल्कुल, यहाँ नहीं है, लेकिन रास्ते में हर जगह पहाड़ थे। चलो भाई सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत सी मस्जिद बनी हुई है, छोटी सी, ठंडी तो इतनी हो रही है, इसी से सब ए सी चल रहे उसके, बस नमाज़ पढ़ते चलो। तो भाई ये एक रेस्टोरेंट मिला था यहीं पर ही रुके थे, और यहीं से हमने थोड़ी सी खाना यहाँ पर अपना खाना गर्म करने के लिए दे दिया हमने, और यहाँ सब इफ्तारी के लिए बैठे हैं। तो भाई यहाँ पे सालन वालन मिल रही, सारी चीज़ें मिल रही इस टाइप की, तो सारी सारी की सारी बस आ गई है यहाँ पे इफ्तारी के लिए। और सर आए मम्मा से मिलवाते हैं आपको। भाई गंजा हो गया, इतना तो कॉन्फिडेंस है कि अपनी शक्ल में अपने हाथ से दिखा सकता हूँ। मम्मा अच्छा लग रहे हैं ना, गंजे हो गए अच्छे लग रहे हैं, आप कितनी बजाई लग रहे हैं? हाँ रोज़ा लग रहे हैं, आज का रोज़ा इन लोगों का बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारी वजह से हम खराब हुए इनके रोज़ा, क्योंकि हम सो गए थे और हमारे सोने के चक्कर में इनकी सबकी बस में सो गई थी, और बहुत दूर से जाके हमने बस को पकड़ी है। तो अब जाके हम यहाँ बैठे हुए, रोज़े का टाइम हो रहा है, खजूर भाई यहाँ से लेकर माशाल्लाह इफ्तार किया, वो देखेंगे वहाँ तक भर गए, और हम भी बस समोसा है हमारे, खाना हमारा गर्म हो रहा है, खाना ना खाएंगे हम। और 4-5 बस आ गए, हमारी पहली बस हो गई थी यहाँ पे, एक गंजा एरा दूसरा गंजा पूरा। तो भाई अभी नमाज वमाज़ पढ़ के फिर हुए, सामने का व्यू इतना प्यारा लग रहा था, मैंने वो देखा, और अभी यहाँ से हमने नमाज़ पढ़ी सबने, और अब बस आगे की तरफ चलते हैं, आगे का सीन देखते हैं क्या है। तो भाई ये हमारी बस है और भाई यहाँ पर कान पढ़ रहे हैं, अम्मा से बातें कर रहे हैं, अम्मा का कान यहाँ रखा हुआ है, और मुझे बस भी दिखाई दो एक बार। तो ये हमारी बस है और बस हम मदीना पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा शहर आ चुका है लेकिन अभी भी थोड़ा काफ़ी रास्ता रह गया है, बस पहुँचते हैं, फिर बस इंतजार नहीं हो रहा है, ये बैठा हुआ दूसरा घंटा हम आते हैं। तो भाई बस हम मदीना की तरफ पहुँच गए हैं, ये सामने से मस्जिद नबी दिखना शुरू हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह नबी का शहर।
थोड़ा सा रह गया, वो सामने में बिल्कुल मदीना है और हम बस पहुँच गए ऑलमोस्ट, क्योंकि हमने सामान वामान भी उठा लिया अपना सारा, मात्र से बाहर देखे जा रही है। तो बस हम पहुँच चुके हैं मदीना और मदीना के शहर में, बस अब हम जाएंगे थोड़ा सा कपड़े सामान वामान निकालना अपना सारा। तो हमारी गाड़ी अभी रुकी है बस यहाँ पे, तो सामान वामान निकालते हैं। ये तो जगह देखने से इतनी खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई ये सामान वाला सारा निकाल लिया है गंजे तो ये हमारा सारा सामान है, ठीक है, चार लोगों के हिसाब से काफ़ी सारा सामान है, तीन चार बैग है हमारे और हाँ एंड के लिए थोड़ा सा सामान है, ये सारा उठा लिया हमने, चार बंदे तीन बैग है, लेकिन सामान ज़्यादा है हमारा, थोड़ा हैंड कैरी की वजह से ज़्यादा है। और अब बस चलते हैं होटल के लिए, और बस आगे बढ़ते हैं और आगे किसी मिलते हैं। ये जगह तो यहीं से इतनी खूबसूरत लग रही है, मैं सोच रहा हूँ अंदर जाके क्या होगा, भाई नहीं आ रही है, इतनी खूबसूरत जगह होगी और क्या क्या देखने को मिलेगा, अल्लाह का शुक्र है। बस अंदर जा रहे हैं हम, एक वो रात ना रहे मुकद्दर, क्या नाम है उसका यार, वो जो कारी वहीद की है, पास लोग तकल्लुफ, मेरा तो दिल कर रहा है वो सुनता हुआ हूँ तेज़ आवाज़ में, और बस आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं क्या सीन है। और ये बाकी सारे लोग हैं हमारे साथ के जो कि ट्रेवल गाइड की तरफ से आए हैं, जो हम लोग रिश्ते से आए हैं, दो बैच आ रहे हैं साथ साथ और बस चलते हैं आगे। और हम लोग पहुँच गए हैं होटल, और यहाँ से मेरे ख्याल से अभी 5 मिनट की वॉक पर मदीना है, अभी चलेंगे ठीक है, सामान वान रख के फ्रेश फ्रेश होके। चलो भाई सारा सामान आ गया, इतने सारे एक साथ रश हो गया लॉबी के अंदर, लिफ्ट के अंदर। कैसी है मम्मा, अच्छी लग रही है, हम दोनों गंजा भी कितना अच्छा लग रहा हूँ अच्छा लग रहा हूँ ना सच में। चले भाई हमारा फोर्थ फ्लोर आ गया आप तो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई बिल्कुल अभी भी पहुंचे थे हम होटल, 2 मिनट भी नहीं हुए, अब हम नीचे दोस्त आया हमारे का, तो उसके बाद जा रहे हैं थोड़ा सा बल के आते हैं, आगे का सीन देखते हैं क्या है कुछ खाने से इंडिया टोपी तो उतार दिमागी नहीं समझ तो रहे मेरे ये हमाद का दोस्त आया एक, और आते के साथ ही मिस्टर मिलने आ गए नीचे के लिए, इन्होंने मैंने ठंडे के लिए रिफ्रेशमेंट लिए है, क्या ही वैसे यहाँ की पेप्सी वगैरह नहीं बीतना, तो इस वजह से हमें ये सूट करेगी वैसे, चलो पी के देखते हैं, पी के देखते हैं कैसे मारो खुलेगी कैसे। अच्छा ऊपर से अलग सील लगाई है, ये देखो कचरा, पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आके कचरा बहुत करते हैं, पकड़ा गया कचरा ही है। तो भाई होटल हम पहुंच चुके हैं और बहुत थके हुए क्योंकि हमारा सुबह से ट्रेवल था, एक तो हमने बस मिस करी, उसके बाद हमारा पैदल का, फिर हम करीम में गए, उसके बाद फिर हमें जाके बस मिली और अब जाके मदीना पहुंचे हैं माशाल्लाह। और आज किसी की भी हिम्मत नहीं थी बाहर जाके खाना खाने की, क्योंकि हमने जब से आया तब तक अभी तक बाहर का खाना नहीं खाया, सिर्फ एक बार मैंने और माद ने रात में जाके अलबैक खा लिया था, थोड़ा सा वो भी अच्छा नहीं था, यहाँ पे खाएंगे यहाँ का मैंने सुना अच्छा है, तो अब हो रही है यहाँ पे खाने की प्लानिंग, बाहर का बहुत मूड था जाने का लेकिन हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई है कि नहीं भाई आप नहीं जाओ। तो यहाँ पे हमारा हो रहा है खाना गरम, क्योंकि हम लेकर आए साथ में 10 फूड, ठीक है, और यहाँ 10 फूड नहीं घर के गर्म खाना गरम करके लाई हैं, लेकर आई हैं जमा करके, और यहाँ है हमारे आलू कोफ्ते, सारी प्लानिंग्स हैं भाई, ये हमारा हमारे बर्तन है, ये हमारा सारा का सारा, हमने भी वैक्सीन निकाला, अभी सारी चीज़ें सही से सेट करेंगे और यहाँ पे हमने चूज़े पालेंगे तो ये खाना वाना गर्म होता रहेगा। हम आ गए बाहर रोटियाँ वगैरह देखने के लिए, क्योंकि उसका एक दोस्त आया हुआ था तो उसके साथ वो जा रहे हैं, तो अगर आपको पैसे बचाना है तो बंदा आ सकता है 10 फूड, हाँ 10 फूड में सही पड़ता है ना, वैसे सस्ता पड़ता है ना, सही पड़ता है घर का खाना, घर की खाने की आदत होती तो बस वो है कि बस खाते हैं, और बाकी हम आज भी लेने आए कुछ बाहर से तो वो भी लेते आएगा, क्योंकि हम 2 दिन से हमने बाहर का खाना नहीं खाया, आज बहुत मूड था लेकिन बस थकन की वजह से हम नहीं जा पा रहे, और बस हमारा खाना गर्म हो जाए उसके बाद हम बनाएंगे चाय, क्योंकि चाय नहीं पी अभी तक, एक बार चाय पी हो भी आज इफ्तार के अंदर, इफ्तार हमने कुछ भी नहीं किया था, बस हल्का फुल्का खाया था और बस आ गए थे, और बस खाना गर्म होता है तब तक हम लेटते हैं। अस्सलामुअलैकुम, लाया खाना, लिया सामान लिया, चलो भाई यहाँ पे भी हमने सारा खाना गर्म कर दिया, किचन बनाया हमने छोटा सा बेबी सेट वाला, आ गया हमारा सारा खाना, हाँ अमल वाला, रोटियाँ भी इतनी सारी आ गई, खाना भी, हमारा दोस्त खाए वो भी अपना डल गया, चलो ओके नहीं पता था वापस आ रहा हूँ मैं क्या करता नीचे खड़ो गए तुझे लेना आ गया मैं, अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, सॉरी खाने के लिए नहीं, हम तो खाना खा लिया है और हम जा रहे हैं कुछ बाहर ऐसे ही थोड़ा सा टहलेंगे और अब आगे का सीन बताते हैं। तो भाई अभी हम थोड़ा सा निकले हैं बाहर थोड़ा सा देखने के लिए जो हमारे होटल के आसपास की जगह है, तो ये बड़ी प्यारी जगह है, हमारे तो दोस्त है ये, मैं यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा है सारी, तो वो सुनते सुनते हम जा रहे हैं और
चाय भी, और ये सारी हम चाय पीने के लिए जा रहे हैं साथ में। तो यार देखो कितनी रौनक लगी हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत जगह है। ये बच्चे पता नहीं कौन सी गाड़ियाँ चला रहे हैं, लेकिन इतनी खतरनाक चला रहे हैं, घुस रहे हैं दूसरे में। अरे वाह भाई, टोक्यो ड्रिफ्ट चला रहे हैं। एक और ये निकला भाई, ये देखें आप बच्चे हैं इतने से, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट। वाह भाई सही, इनकी मजे चल रहे हैं। वहाँ पर चाय ले रहे हैं, खड़े में चाय लेने के लिए, और हम इन लोग ये यहाँ से आ रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल निकल के आने लग रहा है, घुस जाएंगे हमारे अंदर। वो ये बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चला रहे हैं भाई, टोक्यो ड्रिफ्ट चला रहा है। क्यूट यार। हाँ भाई क्या डिसाइड हुआ सर जी? हाँ भाई तुम वापसी नहीं करी था, इधर एक सेकंड आप सीखो, बच्चे खेल रहे हैं अभी, लोगों के साथ खेलो, तुम पैसे नहीं देना। दे दिए मैंने। तो यार ये गलत बात है यार, अरबी आती है ना, ये फायदा है अरबी आती तुझे भाई, कुछ बोल के देगा क्या बोल? चाय चाहिए जी, अपने इंशा। अच्छा वतन इंशा, मतलब अच्छा, वो चाय चाहिए? नहीं नहीं, ये हमारे मेहमान हैं, इनको इनसे पैसे मत देना। अरे हक ये मेहमान है जमा माय दी फलूत। आमीन आमीन। उबला वड्डा मांग रहा है, हम मांग को देख, उबला वड्डा मांग, उबला वड्डा मांग रहा, उबला। तो भाई चाय मिल गई है, और चाय टेस्ट में भी अच्छी है और शक्ल में भी अच्छी है। अच्छा थैंक यू यार सामा भाई, चाय के लिए तरस गए थे हम यहाँ पे, लेकिन आज हमें चाय मिली गई है यहाँ पे, तो बस चाय भी था। तो भाई अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा इस जगह को एक तरीके से क्या करने जा रहे हैं, हाँ एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे सामने सबसे पहले मस्जिद है कमामा, जिस कमामा हजरत मस्जिद है कमामा, जिसके मतलब है बादल। मुझे उसामा ने बताया, क्योंकि उसामा में काफ़ी देर से हिस्ट्री बता रहे जगह की, और ये वो मस्जिद है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ हाथ उठाए दुआ के लिए, बारिश की दुआ के लिए, और अल्लाह ताला ने दुनिया जहाँ के बादलों को एक इकट्ठा करके इस जगह पे बारिश कर दी थी, और इस तरह की बारिश की थी कि वो 7 दिन तक वो बारिश चलती रही थी। तो वही वो ये मस्जिद है, मस्जिद है कमामा, सुभानअल्लाह। हाथ उठाए थे, और अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, इसको देखेंगे करीब से, और उसके बाद हम जाएंगे मस्जिद नबवी। मटेरियल है ना आज भी पुराना मटेरियल, आज भी इसके अंदर पुराना मटेरियल, सब चीजें पुरानी है। साइड में से इसके अभी जो वो नजर आएंगे, हर चीज सारी चीजें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की मुबारक है। हाँ सारे माशाल्लाह। और ये चीज, ये मस्जिद खुलती भी नहीं है, आज भी ना वो पुरानी लकड़ी आज भी वैसी। तो ये खड़े हैं अभी हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बिल्कुल घर के बाहर। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इस काबिल समझाए कि हम यहाँ खड़े हैं। सबसे बड़ी बात तो सामा ये होती है यार, और ये वही लकड़ी है आज तक जो उन्होंने, जो उस टाइम पे उनके घर पे थी। बस यहाँ पे लोगों ने नाम लिख दिए दीवारों पे अपने, ये चीज़ मुझे नहीं पता कि गलत है सही, लेकिन ये उस खूबसूरती को ख़त्म करती है चीज़। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद है, जिसका नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, माशाल्लाह। चलो उसको बस करीब से देखते हैं, और आखिर सामने वो चीज़ जगह है हमारे, जहाँ के लिए हम आए हैं और जहाँ के लिए हमारी आंखें तरस जाती हैं, मस्जिद नबवी। और ये वही रास्ता है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरा करते थे अक्सर, सुभान अल्लाह। ये भी हम मस्जिद नबवी में एंटर हो चुके हैं, और मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं हैं, मेरे घर से उसामा भाई बताएंगे इन जगहों के बारे में थोड़ी सी। असल में मस्जिद के अंदर एंटर कहाँ से होंगे हम लोग? वो बिल्कुल सामने, वो सामने दरवाज़ा, हाँ वो किलाता है बाप सलाम, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सलाम करने की जगह, वहाँ से हम एंटर होंगे। तो आगे जाकर जाली मुबारक है, जाली मुबारक पर जाकर इंशाल्लाह अभी सलाम पेश करेंगे, वहाँ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए अपने कमरे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अभी हम जा रहे हैं वजू करने के लिए, तो हम चलते हैं इस तरफ, और अभी बस मैं यहीं का रिकॉर्ड करूँगा। बाहर हम जाता गए नमाज़ पढ़ने वजू करने में, अंदर गए मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी इस टाइम करने की, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ मस्जिद नबवी के अंदर। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं, मुझे रिकॉर्ड करना भी चाहिए, और मैं शायद करूँगा भी नहीं। तो अभी बस चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं अंदर, अभी हमने मस्जिद गुंबद खिजरा, अभी हमने गुंबद खिजरा जिसको सब्ज़ गुंबद कहा जाता है, अभी हमने वो देखा है। वो ही कहते हैं ना कि जो पहली नज़र होती है वो पहली नज़र होती है, और अभी मैं इस गुंबद के आगे, इस गुंबद को मैंने आज पहली बार देखा है, जिसके लिए
उसामा तक कह रहे हैं कि हम क्या, हम हमारे हर शख्स कहता है कि लोगों की आंखें तरस जाती हैं देखने को, और अभी हमने वो चीज़ देखी है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये है इसकी खूबसूरती, देखें इसका, इसकी बनावट देखें इसकी। और अब बस चलते हैं मस्जिद की तरफ, और अब मैं फ़ोन रख रहा हूँ, अब मैं फ़ोन बिल्कुल भी नहीं निकालूँगा, और बस चलते हैं क्योंकि अभी सहरी का टाइम हो रहा है। तो हम जा रहे हैं सहरी करने के लिए, यहाँ पे कोई कैनेडा चिप्स है, यहाँ से हम बर्गर लेते हैं, और हमें पिज़्ज़ा बर्गर। क्लोज है भाई ये। चलो भाई ये तो क्लोज है, अब दूसरी जगह चलते हैं, और अगर वो मिलता है तो फिर वो खाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो भाई दो तीन चीज़ें हम देखी यहाँ पे, सब बंद था, और अब हम यहाँ पे जा रहे हैं शवरमा खाने के लिए। उसका नाम भी अरबी में लिखा है, बता भी नहीं सकते। और अभी चलते हैं अंदर, ज़रा देखते हैं कि यहाँ से मिल रहा है नहीं मिल रहा, अल्लाह करे यहाँ मिल रहा है। क्लोज ना। तो भाई ये देख, अरे बाहर जादू क्या है, बादशाह की जान कॉल पर है और साथ में जादू भी है। जादू। चलो भाई हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए वापस। तो भाई अब हम आखिरी जगह पर आए हैं, यहाँ पे कोई पाकिस्तानी टाइप का फूड मिल रहा है, तो हम यहाँ से कुछ ट्राई करेंगे। अल्लाह करे यहाँ से मिल रहा है कहीं ना, यहाँ से ही पकाते हैं मैं। तो भाई अब हम जा रहे हैं बैठे सहरी, और सहरी में हमें सिर्फ और सिर्फ पराठे मिले, लेकिन पराठे देख के ऐसा लग रहा है कि हम अगले 10 दिन यही पराठे खाने वाले हैं। क्या मज़े के पराठे लग रहे हैं, प्यार के हाथ के पराठे याद आ गए। ठीक है पराठे खाते हैं, और साथ में मटन का कोर्स साथ में लगाया, बाकी इन्होंने मंगाए अंडे। और अंडा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और अब बस वापस आए मस्जिद नबी के अंदर, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहली अपनी सहरी की नमाज फजर की इंशाल्लाह। और आ गए हम अंदर, चलो भाई वजू करते हैं और फिर निकलते हैं अंदर। और अब बस मैंने पहली नमाज अपनी मदीना में पढ़ी है फजर की वो भी, और अब बस चलते हैं होटल रौनक मदीना माशाल्लाह।